दोस्तों, शर्मा फैब्रिकेटर्स एंड इरेक्टर्स आपका स्वागत करता है। इस सेफ्टी फिल्म का मुख्य उद्देश्य आपकी निजी सुरक्षा और आसपास के वातावरण की देखभाल है। आप जो भी काम क्यों न करते हो, खुद की सुरक्षा हमेशा पहले आती है। फिर चाहे आप डॉक्टर, इंजीनियर, कारखाने में काम करने वाले कोई मजदूर ही क्यों न हो, अपनी सुरक्षा का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो नतीजा गंभीर हो सकता है और इसका असर सिर्फ हम पर ही नहीं, हमारे परिवार पर भी पड़ेगा। तो आइए जानते हैं अपने प्रोजेक्ट से जुड़े विभिन्न खतरों और उनके बचाव के उपायों के बारे में, और इनके सही इस्तेमाल के नियम निर्देश कुछ इस प्रकार हैं। निजी सुरक्षा उपकरण। काम करते वक्त सेफ्टी शूज पहनने से आपको चलने में आसानी होगी और आपके पैर सुरक्षित रहेंगे। साइट पर हमेशा सेफ्टी हेलमेट जरूर पहनें। इससे ऊपर से गिरने वाली वस्तु से आपका बचाव होगा। काम के दौरान रिफ्लेक्टिव जैकेट हमेशा पहननी चाहिए ताकि आपको दूर से ही देखा जा सके और आपको किसी हादसे के पहले ही आगाह किया जा सके। ग्राइंडिंग मशीन, कटिंग मशीन या गैस कटिंग मशीन पर काम करते वक्त सेफ्टी ग्लासेस पहनना ना भूलें। ये आपकी आँखों को सुरक्षित रखते हैं। अपने हाथों को छोटी मोटी चोट से बचाने के लिए हैंड ग्लव्स का जरूर इस्तेमाल करें। मशीन का प्रयोग करते वक्त या फिर जहां कहीं तेज आवाज आती हो, वहां अपने कानों की सुरक्षा के लिए ईयर प्लग्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। ऊंचाई पर काम करना। ऊंची जगह काम करते समय सेफ्टी हार्नेस या सेफ्टी बेल्ट पहनना अनिवार्य है, क्योंकि ऊंचाई पर दुर्घटना जानलेवा हो सकती है। किसी ऊंची जगह चढ़ते वक्त केवल सुरक्षित सीढ़ी का ही इस्तेमाल करें, और ध्यान रहे चढ़ते वक्त या तो सीढ़ी को आपके सहकर्मी ने मजबूती से पकड़ रखा हो या फिर वो रस्सी या तार से बंधी हो। किसी भी बॉक्स, ड्रम आदि असुरक्षित चीजों पर ना चढ़ें। ऊंचाई पर काम करते समय अपने टूल्स लापरवाही से ना रखें, क्योंकि इनके गलती से नीचे गिरने से आते जाते सहकर्मियों को चोट लग सकती है। वेल्डिंग सुरक्षा। वेल्डिंग करते समय वेल्डिंग हेलमेट और दस्तानों को जरूर पहनें। आने जाने के रास्ते पर वेल्डिंग का काम न करें और रास्ते को हमेशा साफ और सुरक्षित रखें। ध्यान रहे अगर आप ऊंचाई पर वेल्डिंग कर रहे हों तो नीचे सीमा क्षेत्र निर्धारित करें और उचित साइन बोर्ड का इस्तेमाल करें। वेल्डिंग मशीन के होल्डर्स, लीड्स, क्लैंप्स और ग्राउंडिंग को इस्तेमाल से पहले जांच लें। सभी वेल्डिंग मशीनों के कनेक्शन में ELCB का इस्तेमाल जरूरी है, इससे आपको पूर्ण सुरक्षा मिलती है। वेल्डिंग करते समय आसपास के इक्विपमेंट की सुरक्षा के लिए उसे ठीक से ढक कर रखें। ज्वलनशील वस्तुएं जिनमें आग पकड़ने का खतरा हो, जैसे पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर इत्यादि के नजदीक वेल्डिंग कभी न करें। गैस कटिंग सुरक्षा। गैस कटिंग करते समय बहुत सावधानी से सभी बताई गई बातें और लगाए गए सेफ्टी साइंस का पालन करें। कभी भी गैस कटिंग गीली और बंद जगहों पर ना करें। हमेशा खुली और हवादार जगह का ही चयन करें, ताकि आपको सांस लेने में भी आसानी रहे और आसपास के इक्विपमेंट को भी नुकसान न पहुंचे। गैस सिलेंडर को कभी भी जमीन पर रोल न करें। इस्तेमाल के समय सिलेंडर को निर्धारित ट्रॉली में सीधा खड़ा रखें और कार्य के बाद गैस नोजल बंद करना न भूलें। अपनी कटिंग टॉर्च, गैस रेगुलेटर्स और गैस पाइप की अच्छी तरह से जांच कर लें और सुनिश्चित कर लें कि ये कहीं से कटी फटी या लूज न हो। सही पहचान के लिए होजेस और एक्सेसरीज को निर्धारित रंग दिए गए हैं। ऑक्सीजन के लिए नीला और एसिटिलिन को लाल रंग दिया गया है। ध्यान रहे कार्य शुरू करने से पहले ऑक्सीजन और एसिटिलिन प्रेशर एडजस्टिंग नॉब जीरो पे हो। पहले एसिटिलिन टॉर्च वॉल्व खोलें और उचित स्पार्क लाइटर से ही जलाएं। माचिस या सिगरेट का इस्तेमाल कभी न करें। इसे काला धुआं छटने तक एडजस्ट करें और उसके बाद ही ऑक्सीजन वॉल्व खोलें और उचित लौ पर सेट करके ही इस्तेमाल करें। ध्यान रहे कहीं से भी कोई गैस का रिसाव न हो रहा हो। कार्य खत्म होने से पहले एसिटिलिन वॉल्व बंद करें और उसके बाद ऑक्सीजन वॉल्व बंद करें। इससे बैकफायर की संभावना से आपका बचाव होगा। गैस वॉल्व बंद करने के बाद टॉर्च वॉल्व को भी अच्छे तरह से बंद कर लें। गैस कटिंग करते समय भी पानी या रेत से भरी बाल्टी पास रखना अनिवार्य है। भारी भार उठाने की सुरक्षा। EOT क्रेन या मोबाइल क्रेन या फिर इस प्रकार के किसी भी उपकरण से भारी सामान उठाते हुए कृपया इन बातों का ध्यान रखें और उनका पालन करें। भार के आकार, वजन और गुरुत्वाकर्षण केंद्र को ध्यान में रखते हुए उचित क्षमता के स्लिंग का इस्तेमाल करें और ये भी सुनिश्चित करें कि स्लिंग का इस्तेमाल सही एंगल से किया जाए। भार उठाते वक्त ध्यान रहे कि भार संतुलित तरीके से उठ रहा हो और उसके फिसल कर गिरने की कोई गुंजाइश न हो। जहां काम हो रहा हो वहां हमेशा नजर रखें। क्रेन के रास्ते
रास्ते में कोई रुकावट न हो और भार के नीचे कभी न चलें। ऑपरेटर को केवल एक ही आदमी निर्देश दें, बाकी लोग अपने निर्धारित स्थान से ही निगरानी रखें। जरूरत पड़ने पर तुरंत उसकी सूचना निर्देश देने वाले व्यक्ति को दें। अग्नि सुरक्षा, वेल्डिंग, गैस कटिंग इत्यादि की वजह से आग लगने की स्थिति में पानी या रेत डालकर उसे बुझाएं। फायर एक्सटिंग्विशर और अलार्म को कवर न करें और ऐसी जगह रखें जहां जरूरत पड़ने पर आसानी से दिखाई दे सके। आग लगने की स्थिति में किसी भी ज्वलनशील पदार्थ जैसे तेल, लकड़ी, कागज, कपड़े या प्लास्टिक घटना स्थल से तुरंत हटा दें। यदि कोई दुर्घटना हो या आपको संपत्ति के नुकसान की जानकारी मिले तो आप तुरंत अपने सुरक्षा अधिकारी को इसकी सूचना दें। विद्युत सुरक्षा, अच्छी गुणवत्ता वाले मेटल टॉप सॉकेट और प्लग्स का ही प्रयोग करें और कभी भी सॉकेट में खुले हुए नंगे तार न डालें। केबल मैनेजमेंट, दुर्घटना से बचने के लिए जमीन पर केबल न छोड़े और उनको समेट कर सुरक्षित जगह पर ही रखें। ओपन ट्रेंच, हमेशा काम खत्म होने पर ट्रेंच को उचित तरह से बंद करें। फॉल प्रोटेक्शन, ऐसी जगह जहां गिरने की संभावना हो उस जगह फर्श के खुले हिस्से की उचित तरीके से फेंसिंग करें। सुरक्षित प्रवेश, ऊपर नीचे चढ़ने उतरने के लिए बनाए गए सुरक्षित रास्तों का ही प्रयोग करें। गृह व्यवस्था, काम खत्म होने के बाद ध्यान दें कि आपने सारा सामान ठीक से उसकी निर्धारित जगह पर सुरक्षित रख दिया है। और हाँ, स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें, कार्य क्षेत्र पर गंदगी न फैलाएं। शिष्टाचार, कार्य क्षेत्र पर सिगरेट, बीड़ी, पान, तंबाकू, गुटखा, खैनी का सेवन ना करें और यहाँ वहाँ ना थूकें। शराब या नशीले पदार्थों का सेवन करके कभी कार्य पर ना आएं। इससे आपको खुद को ही नहीं दूसरों को भी हानि पहुँच सकती है। साइट पर काम करते समय या मशीन चलाते वक्त मोबाइल फोन का उपयोग ना करें, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो दोस्तों, शर्मा फैब्रिकेटर्स एंड इरेक्टर्स आपसे आशा करते हैं कि आप इन दिशा निर्देशों का पालन करेंगे और अपने साथ साथ सबकी सुरक्षा का ध्यान रखेंगे। याद रखिए, आपकी सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है। धन्यवाद।